नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस समय की सबसे बड़ी खबर अगर हम कहें तो वो है, रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो एनटीपीसी की परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी इस पर फैसला लेगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ था, जिस तरीके से घमासान मचा हुआ था, उसको लेकर छात्रों में रोष बढ़ता जा रहा था। पिछले 24 से 48 घंटे की बात करें तो जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है उसको देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है कि इसको फिलहाल स्थगित किया जाए, क्योंकि एग्जाम की जो तारीख थी वो घोषित की जा चुकी थी। 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक ये एग्जाम होना था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसमें दो चार बड़ी चीजें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो लेवल वन का एग्जाम हुआ था उसको, उसके रिजल्ट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एक तरीके से कहा गया है कि फिलहाल इसको रोक दिया जाए। दूसरी बड़ी चीज ये हुई है कि आगे का जो एग्जाम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सेकेंड फेज का होना था, उसको भी रोक दिया गया है। तीसरी बड़ी चीज ये हुई है कि इसमें कमेटी बनाई गई है जिसमें रेलवे बोर्ड के मेंबर होंगे, यानी 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें रेलवे बोर्ड के जो मेंबर हैं वो उसके मेंबर होंगे। और उसके बाद क्या किया जाएगा कि अलग अलग छात्रों से बात की जाएगी, जो असफल छात्र हैं यानी जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन लोगों से भी बात की जाएगी, और जो सफल हुए हैं उनसे भी बात की जाएगी। तो दो चीजें ये हो गई। उसके बाद हम एक और चीज बता रहे हैं कि आरआरबी यानी जो अलग अलग क्षेत्रों की रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, उनको कहा गया है कि वो अपने सेल बनाए, अपनी कमेटी बनाए जो वहां के छात्रों से बात करें कि आखिरकार उनके क्या ग्रेवांस हैं, क्या उनको परेशानी हो रही है। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सब जब प्रक्रिया कर ली जाएगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, कि तरीका क्या होना चाहिए। हम आपको बता दें कि 2018 में जब ये घोषणा की गई थी तो तकरीबन 31,000 के आसपास पद थे जिनकी भर्ती की घोषणा की गई थी, और एग्जाम जो है उसका पूरा शेड्यूल जारी किया गया था 2019 में हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और रेलवे का कहना है भारी तादाद में जब स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद उनके लिए मुश्किल हो रही थी, और उसके बाद उन्होंने कोरोना के चलते ये एग्जाम आगे बढ़ा, और 7 चरणों में ये एग्जाम कराया गया। 2021 तक ये एग्जाम चलता रहा। और उसके बाद एक और बड़ी चीज ये हुई कि जब ये डिक्लेयर किया गया, यानी 15 जनवरी को जब ये डिक्लेयर किया गया तो छात्रों में भारी रोष देखा गया, और छात्रों की जो बात थी वो अपनी जगह जेन्यून थी, क्योंकि जो कहा जा रहा था वैसा किया नहीं गया, क्योंकि पहले जिस टाइम पर होना चाहिए था उस टाइम पर एग्जाम नहीं हुआ। जब हुआ तो रेलवे का कहना था कि 20 गुना जो है हमने छात्र ले लिए, और जबकि ऐसा नहीं था। यानी एक्चुअल की अगर हम बात करें तो रेलवे का अपना तर्क था, छात्रों का कहना था कि जो 20 गुना कहा जा रहा है वो 20 गुना नहीं है, और रेलवे का ये कहना था कुल छात्रों की अगर हम बात करें तो 3,84,000 के आसपास, तकरीबन इसके आसपास जो है छात्रों को CBT 1 में सिलेक्ट घोषित किया गया है। तो ये सारी चीजें चल रही थी, उसके बाद छात्र सड़कों पर उतर आए और उनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंची। एक और बड़ी बात हम आपको बता दें कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दखल दिया और उसके बाद रेल मंत्रालय को ये फैसला लेना पड़ा। और अब आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि ग्रुप डी की भी बात करें तो उसको लेकर भी छात्रों में असंतोष है, क्योंकि उसमें पहले ये हो रहा था कि स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, एक ही टेस्ट होगा, उसके बाद की प्रक्रिया होगी, लेकिन अब उसमें रेलवे ने अपनी तरफ से संशोधन करके एक और जो है टेस्ट कर दिया, यानी CBT 1 कर दिया। और आप समझ लीजिए ये एग्जाम कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनटीपीसी की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था, 1.25 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया जिसमें से तकरीबन 60 लाख बच्चों ने इसमें भाग लिया, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत से लोगों ने इस एग्जाम को एक तरीके से छोड़ दिया, ऐसा भी हुआ, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो आप सोचिए 60 लाख स्टूडेंट भारी भरकम तादाद है, उन्होंने ये जब एग्जाम दिया तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनके साथ सही चीज सही वर्ताव होगा, लेकिन जिस तरीके से हुआ वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब रेलवे चेता है, अब रेलवे को कहीं ना कहीं होश आया है, तब उसने ये फैसला लिया है कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी आगे का रास्ता
बताएगी कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो बातें सामने रखी जा रही थी, जो सामने आ रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं रेलवे ने बड़े यानी देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अगर हम कहें तो देर आए, क्योंकि लगातार छात्रों को असंतोष सामने वो रख रहे थे और छात्र बार बार बोल रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ है, और उसके बावजूद रेलवे अपने तर्क दे रही थी। तो अब देखिए आगे का रास्ता क्या है, उस पर सोचना होगा। और एक तरफ अगर हम और लोगों की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई इलेक्शन का टाइम है, लिहाजा ये मुद्दा जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए और मैसेज सही जाना चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए कि अब ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जो आंदोलनरत छात्र थे उनकी कहीं ना कहीं ये जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उन्होंने उस चीज को सामने रखा, लोगों के बीच में पहुंचाया। खासतौर पर बहुत से लोगों का कहना है, छात्रों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आरआरबी की बात करेंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करेंगे, तो एग्जाम काफी लेट होते हैं, टाइम पर होते नहीं है, व्यवस्था होती नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है यह है कि अगले लेवल पे आप अचानक बदल देते हो, तो ये कोई इस तरीके से खिलवाड़ ना किया जाए छात्रों के भविष्य के साथ, ये बेहतर होगा। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।